नमस्ते दोस्तों, मैं अभिषेक जैन। आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि शॉर्ट सर्किट करंट कैपेसिटी कितनी होती है केबल की, वो हम मालूम करेंगे फॉर्मूले से। जनरली एलटी केबल के लिए शॉर्ट सर्किट टाइम है टी, वो 1 सेकंड लेते हैं। एचटी केबल के लिए वो 3 सेकंड लेते हैं। तो हम टी में शॉर्ट सर्किट टाइम रख सकते हैं, उससे हम देख लेंगे कि कितना आता है। इसको समझते हैं पहले। पीवीसी कॉपर अगर केबल है तो 0.115 इंटू कंडक्टर साइज उसमें डिवाइड देना है रूट टी का। रूट टी में टाइम आएगा केबल उसका शॉर्ट सर्किट टाइम। पीवीसी एल्यूमिनियम केबल है तो ये फॉर्मूला है, और एक्सएल पी कॉपर केबल है तो उसका ये फॉर्मूला है। एक्सएल पी एल्यूमिनियम केबल है तो उसका ये फॉर्मूला है। इस तरीके से इन फॉर्मूले में वैल्यू रख दे कंडक्टर साइज में, हम जैसे कंडक्टर के साइज जो भी है 16 स्क्वायर mm जो जितने का भी है वो रखना है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, टी बराबर 1 सेकंड है, कंडक्टर साइज जो है वो 16 स्क्वायर mm है, और केबल जो है वो पीवीसी कॉपर का है। तो फॉर्मूले से 0.115 इंटू कंडक्टर साइज उसमें डिवाइड दिया हमने रूट टी। रूट टी में हमने रखा 1 सेकंड टाइम, और करंट कितना आया 1.84 किलो एम्पियर, यानी 16 स्क्वायर mm का अगर केबल है तो शॉर्ट सर्किट 1.84 किलो एम्पियर की करंट को कैरी कर सकता है। इस तरीके से हम कंडक्टर साइज केबल की शॉर्ट सर्किट करंट कैपेसिटी निकाल सकते हैं। आई होप आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। धन्यवाद।